तो गाइस डैरन ब्रायन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है, जिसमें ऐसा गाइस बताया जा रहा है कि डैरन ब्रायन WWE छोड़ने वाले हैं। अब गाइस क्या पूरी न्यूज मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो गाइस रिसेंटली WWE ने अपनी वेबसाइट पर एलिमनी सेक्शन, यानी गाइस वो सेक्शन जहां पर WWE उन सुपरस्टार को फीचर करती है जो कि WWE को छोड़कर जा चुके हैं। और गाइस यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नाम आ चुका है डैरन ब्रायन का, जो कि गाइस काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हम सब जानते हैं स्मैकडाउन पर कुछ ही दिन पहले ब्रायन और रोमन रेंस का मैच हुआ था, जहां पर आप सब जानते हैं इस मैच की स्टिपुलेशन के अनुसार डैरन ब्रायन अगर इस मैच को हार जाते तो उन्हें स्मैकडाउन को छोड़ना था। और ऐसे में रूमर्स आ रहे थे कि ब्रायन हमें रॉ या फिर NXT पर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन गाइस रिसेंटली जो ब्रायन का इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी फैंस को लग रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है WWE के साथ वो सितंबर मंथ में एक्सपायर होने वाला था। लेकिन गाइस यहाँ पर ब्रायन ने बताया कि उनका जो कि WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो सितंबर में नहीं खत्म होने वाला। यहाँ पर गाइस ब्रायन ने ये क्लियरली तो नहीं बताया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर जरूर कर दिया कि सितंबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होने वाला। तो ऐसे में गाइस माना जा रहा है कि ब्रायन शायद WWE को छोड़ चुके हैं, और पास्ट में ब्रायन ने ऐसा बताया था कि वो एक पार्ट टाइम सुपरस्टार बनना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो किसी और कंपनी के लिए भी काम करें, और ऐसे में हो सकता है कि वो ऑल इलीट रेसलिंग के साथ काम करें। लेकिन गाइस फिलहाल मैं आपको बता दूं कोई भी WWE की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ब्रायन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक स्टोलन का पार्ट हो, असली में ऐसा कुछ होना। लेकिन गाइस क्या कुछ होता है उसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट सामने निकल कर आएगी तो मैं आपको चैनल पर बता दूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक के बाद तो कहीं मत जाना, और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।